हथियार, चेहरे पर गुस्सा, ताबड़तोड़ फायरिंग, चारों तरफ खौफनाक मंजर। ये किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग नहीं, लाइफ एनकाउंटर है। घटना शहर से सटे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर बाईपास की है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा पूरा इलाका। खुद एसएसपी ने संभाला मोर्चा। शहर से सटे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अगवानपुर बाईपास पर उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब सराफ की घर डकैती के खुलासे में लगी टीम को इनपुट मिला कि कुछ बदमाश अगवानपुर से शहर की ओर आ रहे हैं, जिस पर अलर्ट पुलिस ने क्राइम ब्रांच ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार चार युवकों को पुलिस ने रोका तो वे भाग खड़े हुए और जब पुलिस ने पीछा किया तो फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में दो बदमाश घायल हो गए और दो खेतों के रास्ते फरार हो गए। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मुठभेड़ की सूचना पर एसएसपी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह और एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और कॉम्बिंग को लेकर निर्देश दिए। करीब घंटे भर की कॉम्बिंग के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। हमारी सिविल लाइन की पुलिस को भी और क्राइम ब्रांच की टीम को ये सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश इधर मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि कल बहुत जघन्य घटना यहाँ पे हुई थी, एक संगीन घटना यहाँ पे हुई थी, जो एक ज्वेलर्स के घर पे कुछ बदमाशों ने घुस के और वहाँ पे कुछ पैसे, कैश और जेवरात उन्होंने चोरी किए थे। और ये संज्ञान में आया था कि वो दो मोटरसाइकिल से बदमाश आए थे। तो इसी सूचना पे आज जगह जगह चेकिंग करवा रहे थे। क्राइम ब्रांच के लोगों को बाद में सूचना मिली कि इस तरह के बदमाश जो कल हो सकता संभावना उनकी, उन्होंने कल की घटना की हो, उसी सूचना पे यहाँ आए थे। दो मोटरसाइकिलों को रोकने का प्रयास किया तो रुकी नहीं, फोर्स इकट्ठा की गई, यहाँ मोटरसाइकिल छोड़ के वो भागे। आपस में फायरिंग हुई पुलिस में और बदमाशों में, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए हैं। एक हमारे पुलिसकर्मी को चोट लगी है, उनका भी प्राथमिक उपचार चल रहा है हॉस्पिटल में। और दो बदमाश अभी जिनके लिए कॉम्बिंग करवाई जा रही थी वो अभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन इनकी दो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और उसमें से एक मोटरसाइकिल जो हमें लग रहा है, कल जो सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा है जो नंबर है उसका, उसी घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई है वो वाला मोटरसाइकिल है। और कुछ ज्वेलरी मिली है उनके पास जो इंस्पेक्टर सिविल लाइंस ने बताया है, और प्लस इलीगल वेपन्स मिले हैं। प्राथमिक पूछताछ में नाम इनके सामने आए हैं, उनको तस्दीक किया जा रहा है और अभी प्रयास किया जा रहा है इनके बाकी साथियों के नाम लेके अलग अलग टीमें बना के दबिश दी जाए और इस पर भी कॉम्बिंग दूसरी तरफ से की जाएगी। अलग टीमें हमारी बाकी थानों की फोर्स जो है दूसरी तरफ से कॉम्बिंग कर रही है। हमारा प्रयास है इसमें भी जो बदमाश थे और पूरे घटना में कितने टोटल बदमाश हैं उनके नाम पता करके और बाकी की जो भी ज्वेलरी अगर कुछ रह गई है तो उसको भी इनसे प्राथमिक पूछताछ करके